तो डार्क एडिशन की टेस्ट ड्राइव लेके आ गए हैं, एक डार्क एडिशन ये भी खड़ा है देखो, तो रात में लाइटें इसकी ऐसी जलती हैं, ऑसम लगती है गाड़ी, बहुत ऑसम थी चलाने में, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये फाइनल टेस्ट ड्राइव लेनी थी मैंने, और फाइनल टेस्ट ड्राइव मेरी तरफ से हाँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सीधा डिलीवरी है। वैभव कैसी लगी चला के, हैं क्या रिव्यू है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, इतनी स्मूथ गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी और इतनी हल्की चल रही है ना, स्टीयरिंग का वो करके वैसे इन्होंने सही काम करा है ना। पहले जब सफारी थी मेरे पास तो इतना ऐसा लगता था कि कुछ भारी चीज चला रहे हो, वो तो बहुत पुराना टाइम था वो सफारी का, डेकोर थी बस। अच्छा अब एक बार इसकी ना एक्सेसरीज जो हमने लगानी है, क्योंकि आज आज फ्राइडे है, संडे की डिलीवरी सोच रहे हैं, संडे या मंडे की, तो जो इसकी एक्सेसरीज वगैरह है, मैट वगैरह है, वो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके पास मैट अवेलेबल है, अगर मेरे को लाना है नहीं लाना तो वो उसका फाइनल करते हैं एक बार। एसेंशियल किट के पैसे कितने हैं पहले ये बताओ, एक्स्ट्रा 29,999 रुपये इसमें क्या क्या आएगा? वर्थ हैरियर स्मार्ट नहीं मेरी, हैरियर और सॉरी सब में सेम। अच्छा वो सब में सेम होता है, सफारी में भी सब में सेम होता है। अच्छा क्या क्या होगा मैट आएगा गाड़ी का, मड फ्लैप, मैट कौन से 5D या 7D, मैट कारपेट आएंगे, उसको आप अपग्रेड करा सकते हो 3D या 7D में, मतलब उसके अलग पैसे हैं। आप अभी इस 29,000 वाले में कारपेट आता है, कारपेट खाली नॉर्मल कारपेट, कारपेट आता है, आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, जो कारपेट का पैसा होगा वो लेस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं मैं ये पूछूं कारपेट तो जैसे नॉर्मली भी गाड़ी में लगा हुआ है? नहीं 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 आता कारपेट में, लूज मैट कोई नहीं आता गाड़ी में, कारपेट प्लेन खाली, एक इनबिल्ड कारपेट होता है जो चेसिस में फिक्स्ड होता है, उसके ऊपर लूज मैट डालना पड़ता है। तो ये लूज मैट दे रहे हो आप इस एसेंशियल किट में, मैट ही आता है। और इसके ऊपर अगर मैं 5D या 7D करवाता हूँ तो वो आप एक्स्ट्रा चार्जेस है? मैं कह रहा हूँ कारपेट मैट अगर आपको नहीं लेना उसके पैसे उसमें से 7D में से लेस हो जाएंगे। रेन वाइजर आएगा, डोर वाइजर जो ऊपर की तरफ लगता है बारिश से बचाने के लिए जो होता है। अच्छा डोर वाइजर ठीक है समझ गया। इसका प्लेट आएंगी जैसे चढ़ते हुए अंदर बाहर जो तक निशान कट जाते हैं ना दोनों तरफ, ड्राइवर को ड्राइवर साइड दोनों तरफ लग जाएंगे। ये हैरियर में लगी हुई है इसका प्लेट? इसमें नहीं लगी हुई, फिजिकल दिखाया था। अच्छा ठीक है सर, डोर को सेफ रखने के लिए डोर एज गार्ड आएगा जो किनारे सेफ रखता है आपका, समझ गया। एक आगे हैरियर का बैच लग जाएगा, पीछे आता है आगे लग जाएगा। अच्छा ठीक है सर, सफारी का सफारी का उसमें कोई नहीं, सेम ही है। और एक परफ्यूम आएगा, ये 8 चीजें इसमें आती है। और इसमें क्या लिखा है, चार्जेस ऑफ फिटमेंट ऑफ एसेंशियल किट एडिशनल 1,000 रुपए हैं। इन सब चीज़ों के 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लोगे आप? कोई नहीं करा देंगे। नहीं अगर मेरे को इन इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, अलग अलग भी ले सकते हैं। हाँ तो आप मेरे को अभी खाली एक तो कारपेट दिखा दो, 70 कारपेट दिखा दो, और एक आपने कौन सी प्लेट का कफ प्लेट इसका इसमें लगी हुई है ना, लगी भी नहीं है, मैं रख के दिखा दूंगा। अच्छा एक वो दिखा दो और मड फ्लैप दिखा दो, ये 3 चीज़ दिखा दो। साइड स्टेप मैं एक बार देखता हूँ, साइड स्टेप देखते हैं। जो रेंज रोवर की फिटिंग है ना आपकी सेम वही फिटिंग, बट इसकी वजह से ना ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है। तो भैया ये देखो इतनी तो इसकी मोटाई है ना, तो इतना ग्राउंड क्लियरेंस तो कम हो ही गया। देख रहे आप उसको भी देखे ना, रनिंग बोर्ड में अगर कोई भी चीज लगेगी तो पहले इस पे हिट होगा, आपका रनिंग बोर्ड सेफ रहेगा। दूसरा किसी को छत साफ करनी है तो हमेशा गेट खोल के ही छत साफ करें, अगर नहीं होगा तो आप इसका आराम से छत साफ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तीसरा छोटे बच्चे हैं या कोई भी ओल्ड एज है उनके लिए बहुत यूजफुल होता है ऑफ रोडिंग पे, जहाँ ऑफ रोडिंग गाड़ी होगी ना, तो ये पोर्शन बहुत ऊपर चला जाता है। अच्छा आप मेरे को इनके एक तो ये हो गया मड फ्लैप, एक हो गया 70 डोर वाइजर, 70 डोर मैट, सॉरी 70 मैट, और एक ये और एक कंप्लीट, इन चार का मेरे को दिखा दो अलग अलग प्राइसिंग हो सकता है। मैं 5 मिनट स्कफलेट यहाँ पे मेरे ख्याल से जो यहाँ पे प्लेट लगी होती है तेरे ब्रांड आ जाएगा ना, नेक्सॉन हैरियर, हाँ तो वो बस कोई जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है ना, शोशा है वो मतलब, हाँ वो भी देखता हूँ मैं। ये भी नहीं दे रहे, ये तो सिर्फ ये दे रहे, हाँ खाली जो वो कह रहे हैं ये तेरे लिए एक्स्ट्रा चार्जेबल है ये चीज तेरे। हाँ आपका कलर गाड़ी का कौन सा है? गोल्ड, ये भी लग जाएगा। अच्छा वो ब्लैक भी लग जाएगा, फुल्ली ब्लैक भी, फुल्ली ब्लैक होगा वो, फुल्ली ब्लैक भी आता है, ठीक है। ये साइलेंसर नीचे आ रहा है, हाँ तो ग्राउंड क्लियरेंस मैं वहां से नहीं कह रहा, मैं यहां से कह रहा हूं, यहां से ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा, मैं बीच से बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइड से कह रहा हूं।
सर जी ग्राउंड क्लियरेंस आप उसको वर्ड नाम दे दो, बट अगर जैसे मैं पहाड़ों में ऊपर रोड में जाऊंगा तो यहाँ से तो गाड़ी लगने के चांसेस ज्यादा होंगे ना, यहाँ से तो उसकी कम हो जाएगी ना ब्रेथ। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ तो खुद बता। वो कहना चाह रहे हो मिडल से मेजर करते हैं, वो मिडल से मेजर करते हैं, वो होगी थ्योरी। अब मैं प्रैक्टिकल अगर बात करूँ तो अगर मैं साइड लगा लूंगा तो इतना तो कम हो जाएगा ना, और ऊपर खबर अगर करते 20,000 रुपए के होंगे, ठीक है। और साइड स्टेपर में क्या होता है कि ना आपकी ये इनको तो चलो बेचना है, बट साइड स्टेप में क्या होता है कि आपकी ग्राउंड क्लियरेंस हमेशा कम हो जाती है, और उसकी थिकनेस खुद सोचना अगर इतनी थिक चीज किसी गाड़ी पे लगेगी तो उसकी इतनी थिकनेस तो चलेगी। बट वो ये कह रहे हैं कि जो इंजन का सबसे जो गाड़ी बराबर नहीं भाई, नीचे से लगते हैं साइड स्टेपर। अच्छा ये मड फ्लैप है, ठीक है। एक मेरे को 70 मैट और 50 दोनों दिखाना प्लीज भाई। जो साइड स्टेप लगते हैं ना वो हमेशा नीचे से लगते हैं, अगर नीचे से लगेगा तो उसकी जितनी थिकनेस होगी उतना तो ग्राउंड क्लियरेंस गया। लोग साइड गुरु से उसकी करेगा, लोग साइड स्टेप इसलिए नहीं लगाते उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है। अगर हम जैसे पहाड़ों वाड़ों में लेके जाएंगे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मेरे ख्याल से 200 mm है ना, 205 है, वो गिर जाएगी भाई ग्राउंड क्लियरेंस। तो यार हमारे घर में मतलब ऐसा भी कोई ओल्ड नहीं है, वो बच्चे नहीं है तो और चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई गाड़ी स्पेशल का मतलब हाँ मतलब बहुत ही ऊंचा पड़ता है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, साफ भी करने हो तो हम कर देंगे, साइड स्टेप नहीं लेता ना साइड स्टेप में को। और ये स्कफ प्लेट का भी चार्ज कोई नहीं, खाली एक डोरमेट और डोरमेट कह रहा हूँ फ्लोरमेट और ये मड गार्ड। ये कैसा वाला है? ये 70 है। ये नेक्सॉन का है, ये नेक्सॉन का सेम बिल्कुल मटेरियल सेम होगा, लुक में सेम होगा, बस यहां ब्रांड चेंज है, सफारी लिखा होगा, सफारी सफारी सर जी भाई सफारी सफारी लिखा होगा। गारंटी करके इसको बनाया जाता है, लोगों की कंप्लेन ही साइड स्टेपर से ये रहती है ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है। ये 3D है, अच्छा ये 3D है, ये बकेट वाला होता है ना, पर यार उसके अंदर लॉक है ना जो 70 वाले लॉक है वो खराब हो जाते हैं, मेरे को लगता है कि ये उससे हिलेगा नहीं तेरा साइड, ना 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 ये वो बैठ जाता है एकदम से ही बैठ जाता है, ये फिट हो जाता है ना एकदम। बट ये कितना तेरा वो मिट्टी स्क्रैच मारे खराब हो, मिट्टी तो इसके अंदर ही रहेगी ना, तो मिट्टी इसके अंदर ही रहेगी, बाहर निकालने का फर्क है, उसमें तेरी मिट्टी दिखेगी भी नहीं बैठ के। ठीक है 50 दिखा देना, 50 दो ही आते हैं। अच्छा 70 और 3D, 70 और 3D। अच्छा आप मेरे को इसके प्राइस बता दो अलग, आप मेरे को मड फ्लैप और साइड स्टेप के भी चलो बता दो प्राइस। और फ्लैप 1,018 रुपये के हैं चारों। अच्छा कारपेट मैट तो बताऊँ, कारपेट ना बताऊँ ना? नहीं नहीं कारपेट क्यों बताओगे, मैं अगर मैं मैट ले रहा हूँ 3D मैट है आपके 4,599 रुपये के। अच्छा 70 मैट है आपके 7,899 रुपये के। इसमें ये चार ही मैट है, हाँ, ये पूरा केबिन मैट आता है। अच्छा केबिन मैट है, थर्ड का डिग्गी वाला नहीं, थर्ड रो का भी नहीं, थर्ड रो का भी होगा, थर्ड रो तक आता है, थर्ड रो तक इसमें, थर्ड रो तक आएगा, इसमें फोर्थ रो तक जाएगा। फोर्थ रो कौन सी होती है? डिग्गी का भी छोटा होता है। अच्छा 70 में आता है, 70 में 70 में नहीं आता, वही मैं पूछ। ठीक है सर, इसका प्लेट आपकी 2,350 रुपये की है, स्कफ प्लेट। ओके और साइड चार स्कफ प्लेट होंगी ना? नहीं नहीं दो, आगे की दो ही होती हैं, पीछे एक्चुअली टेपर में होता है, पीछे की मिल जाती है पर वो छोटी होती है, वो अच्छा कम लगती है। साइड स्टेपर आपका 18,990 रुपये का है, और ये टोटल कितना हुआ अगर 3D मैट को हटा देते हैं तो टोटल कितना हुआ? 70 जोड़ी से, हाँ ये हो जाएगा सर 30,257। आपने 3D मैट नहीं लगाया ना? 70 लगाया मैंने। और वो एसेंशियल किट कितने की थी? वो 29,999 रुपये की थी, वो ज्यादा सस्ती पड़ रही है मतलब। और थोड़ा सस्ता पड़ता है ना सर, पर उसमें कारपेट आता है, हाँ उसमें कारपेट। देखो अगर आप कारपेट का इससे कंपैरिजन करोगे तो ये यहाँ आपके 3,000 रुपये लेस हो जाएंगे, आपके कारपेट का पैसे लेस हो जाएगा, तो वो 35,000 की पड़ेगी किट। तो जी टेस्ट ड्राइव लेके आ गए और सारे काम ऑलमोस्ट पूरा करके आ गए हैं, बस अब डिलीवरी लेनी है। और
ये जो भी एसेंशियल किट का पूछा था इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि साइड स्टेप लगाऊं क्या लगाऊं, मतलब मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है लगाने का, 90% तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उससे ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है कोई माने या ना माने, क्योंकि भाई ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है वो बुक थ्योरी के हिसाब से नीचे से मिडल से ले रहे हैं, वो मिडल से ले रहे हैं, बट आप जब उबड़ खाबड़ रोडों पे जाते हो ना, मिट्टी जैसी रोडों पे जाते हो कहीं पे, जब वो पत्थर उछलेंगे तो उस पे कम कर देंगे, पत्थर उछलेंगे भी नहीं, जब उबड़ खाबड़ रोड होगी ना तो साइड से भी गाड़ी लगती है, साइड से नहीं लगती, तो साइड से जब एक बार बता साइड से हम इतना मोटा लगा लेंगे तो इतनी थिकनेस तो कम हो गई, नीचे से नहीं हुई मैं मानता हूँ, नीचे से क्योंकि जब लगी साइड में ना तो बीच में से कोई लेना देना नहीं है उसका, बट साइड में उसकी कम हो जाती है, बट अब एसेंशियल किट अगर हम साइड स्टेप के साथ लेते हैं तो 35,000 रुपीज की पड़ रही है विदाउट डिस्काउंट, और डिस्काउंट 2,000 रुपए का देंगे, और अगर हम अलग अलग चीजें ले रहे हैं तो भी 30,000 रुपए का ही पड़ रहा है, मतलब 3,000 रुपए का फर्क आ रहा है, तो या तो मैं एसेंशियल किट ले लूँ साइड स्टेप ना लगाऊं रखा मतलब रख लूं और ऐसे भेज देता हूँ तो हो सकता है कि और एक तो भेज देता हूँ, लड़का ले रहा है 35-40 लाख रुपए की गाड़ी, अब मतलब जब चाहिए ही नहीं तो हम क्या करें, तू खुद बता ना, देख जैसे हम मड फ्लैप ले रहे हैं ये 1,018 रुपए के इन्होंने बताए हैं, देख जैसे और 70 मैट ले रहे हैं इन्होंने इसके 3,000 रुपए कम कर दिए, ठीक है, और ये भी स्कफ प्लेट हमने लेने नहीं 2350 की, साइड स्टेप 19,000 रुपए के हैं, इमेजिन इस क्वालिटी की चीज है ना तो करोल बाग में बहुत अच्छे से मिल जाएगी, अरे हाँ यार, और ये 70 मैट 5,000 रुपए मिल जाते हैं, 5,000-5,000 रुपए के, मेरे भाई ने सेल्टॉस के लिए 3,000 से भी कम के ढाई के, हाँ तो एक बार मैं ऑनलाइन भी देखता हूँ जाके, हाँ बहुत सस्ते मिल जाएंगे तुझे, अगर मेरे को लगेगा सही के, मेजर तेरी गाड़ी में तेरे को चाहिए मैट चाहिए और बाकी अब गाड़ी हमने फाइनल कर दी है और संडे या मंडे को डिलीवरी है, और एक बार पीडीआई के लिए भी पहले आना पड़ेगा, तो पीडीआई में ढंग से देखना, क्योंकि टाटा थोड़ा सा इस चीज़ के लिए बदनाम है कि वो पैनल गैप वगैरह वो सब, बट सफारी की क्वालिटी देख के इस टाइम पे भी ऐसा नहीं लग रहा, अगर आप नई वाली गाड़ी चला के देखोगे सफारी के एकदम प्रीमियम है, और मुझे कोई भी पैनल गैप और ऐसी कोई चीज़ लगी नहीं थी, तो बाकी देखते हैं पीडीआई के टाइम पे, अगर थोड़ा सा 19-20 होगा तो बता के ठीक करवा लेंगे या उसी टाइम पे चलेगा, क्या डिसीजन देना है। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, आई थिंक बहुत लंबी हो गई ये वीडियो, भी डिटेल थोड़ी सी वीडियो थी तो लंबी होनी थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, और प्लीज कमेंट जरूर करना जो भी आपको आपका परसेप्शन है, अपना परसेप्शन, कुछ आखिरी की वीडियो में बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो बहुत हेल्प होती है, मतलब अब मुझे जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज है, बट आप लोग भी जगह जैसे कुछ बताओगे तो कमेंट्स में काफी सारी हेल्प मिल जाती है, तो कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो सॉरी प्लीज शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नए हो तो, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।